जय हिंद, जय भारत। सभी लोग कहते हैं अपना नेशन फर्स्ट, तो हम भी अपने नेशन को फर्स्ट दिखाएंगे। ओके, हाय, हेलो। आज के इस वीडियो में हम ये चीज़ देखेंगे कैसे रूफ फार्मिंग हम कर सकते हैं, कैसे हम टेरेस पे एक अच्छा सा गार्डन बना सकते हैं, ऑक्सीजन भी सप्लाई होगी उससे, और कैसे आप डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल्स जो है अपने होम के रूफ पर लगा करके नेचुरल वेजिटेबल्स बायो मैग्निफिकेशन प्रूफ, केमिकल प्रूफ आप उससे ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं हमने कैसे फार्मिंग को छोड़ दिया है। आप यहाँ देखिए, हमने यहाँ पर इस पॉट में जैसे फ्लावर के पौधे लगाए हुए हैं, सदाबहार के पौधे हैं ये। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने तुलसी के पौधे लगाए हुए हैं। ये और ये दोनों फ्लावर जो हैं वो सेम स्पीसीज के हैं, सेम जीनस के हैं, बट दोनों के जो है कलर अलग अलग है। इसमें पर्पल फ्लावर आते हैं और इस वाले ब्रांच में वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। इस पॉट में हमने मिक्स फार्मिंग की हुई है। यहाँ पर हमने दो अलग अलग जो है प्लांट्स को उगाया हुआ है, जिससे न्यूट्रिशन जो है वो डिवाइड हो सके। इस वाले पॉट में अगर आप देखेंगे तो इसमें हमने वेजिटेबल्स लगाई हुई है। यहाँ पर हमने इसको कोरिएंडर लगाया हुआ है, उसके बगल में हमने स्पिनच लगाया हुआ है, उसके पास में हमने यहाँ पर रेडिश लगाई हुई है इसके बॉर्डर पे, और सेंटर पे हमने इसमें ब्रिंजल का पौधा लगाया हुआ है। ये जो ब्रिंजल का पौधा था ये पूरा जो है ये यूज़ हो चुका है, अब ये अपने लाइफ स्पैन को ख़त्म करने जा रहा है। यहाँ पर हमने इसके सीड के लिए, सीड फॉर्मेशन के लिए, जो नेक्स्ट ईयर हम इसको फिर से यूज़ कर सकें, उसके लिए हमने इसको सीड के लिए छोड़ दिया, तो इसका कलर जो है येलो हो गया है। यहाँ पर इस तरह के मिक्स फार्मिंग करने के वजह से होगा क्या कि हम जब यहाँ पर मिक्स फार्मिंग करेंगे तो यहाँ पर न्यूट्रिशन जो है बराबर बढ़ता रहेगा, और किसी भी प्लांट को एक्सेस या लॉस ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होगा। ये इसको नॉर्मल लैंग्वेज में गुड़हल कहते हैं, अड़हुल कहते हैं। ये हिबिस्कस का पौधा है, ये हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। हिबिस्कस के पौधे को हमने यहाँ पर सेल्फ मेड गमले में लगा दिया है। उसमें देखिए फ्लावरिंग भी कितनी अच्छी बेहतरीन तरीके से फ्लावरिंग हो रही है। यहाँ पर तुलसी का पौधा है, ये लाल वाली तुलसी है हमारे पास। तुलसी के साथ ये सदाबहार का पौधा है, दोनों सेम ही पॉट में है। और ये बिका है सेम के पौधे में, आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखोगे आपको कुछ इसके सीड्स दिखेंगे, ये आपको पूरे ग्रीन कैप्सूल्स में दिखेंगे। ये ग्रीन ब्रांच है, ये वाली ब्रांच इसकी पर्पल कलर की ब्रांच है, इसमें पूरा पर्पल आ रहा है। इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पर पर्पल कलर डोमिनेंट हो जा रहा है। यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये बाई कलर दिख रहा है, ये इसमें दो कलर आपको दिखाई दे रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है वो धीरे धीरे क्रोमोप्लास्ट उसको कवर करता जा रहा है, और यहाँ पर इसने क्रोमोप्लास्ट ने पूरा का पूरा ग्रीन पार्ट को कवर कर लिया, ये पूरा टोटली पर्पल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर आप बहुत ध्यान से इसको देख पाएंगे तो इस ब्रांच में दो तरह के फ्लावर हैं, एक पर्पल कलर का फ्लावर है, एक वाइट कलर का फ्लावर है। दोनों मिक्स होने के बाद लाइट पर्पल कलर के फ्लावर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो कि ये लाइट पर्पल कलर का फ्लावर आपको दिख रहा है। ये मेंडल के इनकम्प्लीट डोमिनेंस को आपको शो, इस फ्लावर को बहुत ध्यान से देखोगे तो ये फ्लावर डार्क पर्पल कलर का है, और ये इसमें एक ब्रांच में फ्लावर जो है वाइट कलर का है। दोनों जब मिक्स होंगे तो दोनों के इंटरमीडिएट करेक्टर फॉर्म होगी, जिसको हम लाइट पर्पल कलर कह सकते हैं। सेम लगाने के बाद हमने यहाँ पर इसके फ्लोर पर हमने यहाँ पर साग लगाई हुई है, ये पालक है। यहाँ पर हमने स्पिनच लगाया हुआ है। ब्रिंजल के हमारे पास दो वैरायटी हैं, जो है दो तरीके के आती हैं। एक होती है पर्पल कलर के ब्रिंजल आते हैं, पर्पल बैगन आते हैं, एक आते हैं वाइट कलर के बैगन। जो पर्पल कलर के बैगन आते हैं, जो वाइट कलर के ब्रिंजल आते हैं वो आपको ऐसे दिखाई देंगे। जो वाइट कलर के ब्रिंजल आते हैं उनके फ्लावर जो होते हैं वाइट कलर के होते हैं, और जो पर्पल कलर के ब्रिंजल आते हैं उनका फ्लावर जो है आपको पर्पल कलर का दिखेगा। यहाँ पर हमारे बेस पर हमने स्पिनच लगाया हुआ है, और यहाँ पर हमने गोभियाँ लगाई हुई हैं। ये हमारे कॉलीफ्लावर्स हैं, और देखिए कितने अच्छे से ये कॉलीफ्लावर जो है अपना फ्रूटिंग कर रहे हैं। कॉलीफ्लावर की फ्रूटिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो रही है, आप यहाँ देख सकते हैं। आप कॉलीफ्लावर्स के फ्लावर्स को देख सकते हैं, कितने बेहतरीन फ्लावर्स हमने यहाँ पर बनाए हुए हैं। और यहाँ पर हमने प्याज, ओनियन विथ लहसुन, ग्रीन लहसुन और ग्रीन ओनियन को उगाया हुआ है। इसके बीच में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए हमने वहाँ पर लेग्यूमिनस प्लांट, जिसको हम चना कहते हैं, पल्सेस फैमिली में आता है, लेग्यूमिनेसी फैमिली का, हमने वो भी लगाया हुआ है। और यहाँ पर हमने कोरिएंडर लगाया हुआ है। इस तरह की अगर आप मिक्स फार्मिंग अपने ग्राउंड फार्मिंग में भी करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। यहाँ पर छोटे छोटे पॉट्स थे हमारे पास, तो हमने उसको भी यूटिलाइज़ कर लिया। यहाँ पर भी हमने इसको गोभी के पौधे लगा दिए हैं। और ये हिबिस्कस का पौधा देखिए कितने अच्छे से फ्लावर कर रहा है, और इसमें नए नए बर्ड्स रेगुलरली आते रहते हैं। डेली जो है 2 to 3 फ्लावर्स इसमें रेगुलरली मेंटेन रहते हैं। तो आप इस तरह की एक रूफ फार्मिंग कर सकते हैं, और आप
और यूटिलाइज कर सकते हैं, आपके पास जितने भी पुराने पॉट्स हैं आप उसको यूज करके घर में होम मेड नेचुरल वेजिटेबल्स आप बना सकते हैं विदाउट फर्टिलाइजर विदाउट केमिकल। मैन्यूर बनाने का तरीका, जितने भी आपके पास ऑर्गेनिक वेस्ट है, वेस्ट ऑफ प्लांट्स, एनिमल, वेजिटेबल्स, पील्स, जो भी हैं, हमने उसको यहाँ पर एक टब में डाल दिया है। उसको डालने के बाद हमने उसके अंदर पानी डाल दिया है जिससे ये कंपोस्ट बनेगा। ये धीरे धीरे बैक्टीरिया फंगस इसको जो है डिकम्पोज करेंगे और इससे जो कंपोस्ट बनेगा उसमें न्यूट्रिशन क्वांटिटी ऑर्गेनिक मैटर की बहुत ज़्यादा होगी और हम अपने इस पूरे गार्डन में इसी कंपोस्ट को डालकर यूज़ करेंगे जिससे हमें नेचुरल मैन्योर मिल पाएगा केमिकल फ्री। तो हम अपने इस पूरे गार्डन में नेचुरल मैन्योर का यूज़ करते हैं केमिकल फ्री। और आप देख सकते हैं हमारा जो गार्डन है वो कितना ग्रीनिश है, कितने सारे वेजिटेबल्स हैं यहाँ पर और कितने सारे फ्रूटिंग हुई है। ऐसा नहीं है कि अगर हम इसको कहीं पर लगा देते हैं तो फ्रूटिंग नहीं आएगी। अगर आप अच्छे से सॉइल का मेंटेनेंस करते हैं, सॉइल के टेक्सचर को अच्छे से मेंटेन करते हैं, तो आपको फ्रूटिंग वगैरह सब दिखाई देगी। ये एलोवेरा है, ज़ीरोफिटिक प्लांट है, लिलिएसी फैमिली का है ये एलोवेरा प्लांट। वाटर स्टोर करने की कैपेसिटी इसके पास बहुत ज़्यादा है। हमारे पॉट में ये स्नेक प्लांट है, ये इंडोर प्लांट है जिससे आप स्नेक को दूर कर सकते हैं। इसको बॉटेनिकल नेम में ड्रेसिना कहते हैं। ये हमारा फॉर्म है, इस फॉर्म में हमने कैसे मिक्स क्रॉपिंग की रखी है, इसका ये जो हाफ पोर्शन ऑफ फॉर्म है यहाँ पर हमने रेडिश लगा के रखा हुआ है। ये मूली के पौधे हैं, इसके सेकेंड हाफ पे हमने जो है सारे कैबेज लगा के रखे हैं। ये कॉलीफ्लावर के पौधे हैं। ये फॉर्म का जब मिडिल आप देखेंगे तो उसके बाद हमने यहाँ पे स्पिनेच बन लगा रखे हैं, वो पूरे जो है स्पिनेच है। उसके बाद फिर हमने वहाँ पर जो है उसको कैबेज लगा के रखा है, फिर हमने स्पिनेच लगा के रखा है, और जो हमारा सेकंड फॉर्म है वहाँ पे भी हमने जो है स्पिनेच लगा रखा है। इस तरीके से अगर आप फॉर्मिंग करोगे तो आपका जो न्यूट्रिशन है वो डिवाइड होता रहेगा। इस फॉर्मिंग के बीच में आप बहुत ध्यान से देखो, इसमें हमने मस्टर्ड डाल रखा है इसमें हमने बीच में। ये जो है ये सल्फर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं, इससे जो है केमिकल्स निकलते हैं थायोल ग्रुप के। तो इस तरह के अगर आप मिक्स फार्मिंग करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। सामने ये हमारा सागवान का पेड़ है, वहाँ हमने अम्बिलिका आमला का पौधा लगा रखा है, और वहाँ पे हमारे पास सहजन के पौधे हैं। ये सारी फार्मिंग हमने मिक्स फार्मिंग के तरह की हुई है जिससे आपको जो है न्यूट्रिशन जो है प्रॉपर जो है प्लांट में डिवाइड होता रहेगा। सामने वहाँ पर वो बेल का पेड़ पौधा है, बेल पत्र कहते हैं उसको, और उसमें देखिए कितनी अच्छी सी फ्रूटिंग हुई है उनको, और देखिए कितना अच्छा वो फ्रूटिंग करके रखा हुआ है उसमें। तो अगर आप इस तरह से अपने फॉर्म को डिवाइड करते हैं, आप इंटरक्रॉपिंग आप मिक्स क्रॉपिंग करते हो, तो आपको जो है ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। आप इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हो, इंटरक्रॉपिंग में आप जो है अपने मेड़ पर आप अपने कैरी पर दूसरा पौधा और अपने फॉर्म के फ्लोर पर आप दूसरे पौधे को लगाओगे तो वो इंटरक्रॉपिंग हो जाएगी। अगर आप मिक्स करके क्रॉप लगाते हो तो ये आपकी सारी मिक्स क्रॉपिंग हो रही है।